भक्तो, माँ की मूर्ति चोरी हो गई। किसने चुराई मूर्ति? तेरा गुनाह माफ करने लायक नहीं। मैंने मूर्ति चोरी नहीं की मालिक। मुस्कान मेरी जान, इसे देख के डोल रहा है मेरा ईमान। चुप बुद्धे, अबे बेवकूफ, अगर मैं तेरी दुल्हन बन गई, तो मेरा मुस्कान खंडाला बैंक कौन चलाएगा? भक्त तो बहुत देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा बेटा। क्या करे काकी, माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। गाय बेच दी, बकरिया भी बेच दी, सिर्फ एक रुपया कम। जैसे एक रुपया आएगा, मैं अपने खन खन खन। ठीक है मेरे गिरधारी जी, पहले एक रुपया का जुगाड़ तो कर ले। जाने जाना न जाना मुझे छोड़ के, मेरी पूत ना मेरी सुपनगा, दिल में खुशी है तू दिल तोड़ के। दिन भर घूमती रहती है, कोई काम है तेरे पास? एक है बस माँ के पूजा अर्चना में व्यस्त रहती है, और दूसरी कौन शादी करेगा इनसे? तेरे बिना सुना सुना लागे गायन ना, बहना ओ मेरी बहना। तुम्हारे बेटे आकाश और विकास ने मंदिर से माँ की मूर्ति चुराई है। आप मेरे बेटों पर इल्जाम लगा रहे हो। उसका बाप चोर था, उसके बेटे चोर नहीं हो सकते। चुप हो जाइए पुजारी जी। ये वही आशीर्वाद की मूर्ति है जो मंदिर से चोरी हो गई थी। क्या ये मूर्ति मुझे देके जाओ, इसके बिना माँ का स्थान छीना है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विकास। किस वसूल की बात कर रहे हो शंकर? वो वसूल जिसमें किसी बेकसूर पर मूर्ति चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मार देते हो। बता किसने माँ की मूर्ति चुराई है, बता। मैं आरती और सुनंदा का अपने दोनों बेटों के लिए उनका हाथ मांगने आई हूँ। माँ की पूजा तो करना, दुनिया की रीत को निभाना, तो बहना रहना सदा खुशहाल, ओ बहना रहना सदा खुशहाल। छोड़ो, कोई देख लेगा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं काका। अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा गोपाल। चल की बेटी सुनंदा ने मूर्ति चोर को पकड़ लिया है और मूर्ति छीन ली है, जिसके कारण पृथ्वी लोक में कुछ भी हो सकता है। शंकर, अब तेरा अंत निश्चित है। देवी नहीं,
तुम्हारी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को विनाश हो गया। सुनंदा, श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर चलते चलते थक चुके, कहीं ऐसा ना हो उसका श्रद्धा और विश्वास टूट जाए।